कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा, हम तो वहीं चौंक गया। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। हिंदुस्तानी है और हम नागालैंड से हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो काफी वायरल है, नागालैंड के बीजेपी मिनिस्टर तेमजिन इमना अलोंग का, जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में, जो बाकी लोगों का परसेप्शन होता है ना, उसके बारे में बात करते नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी आंखें होने का फायदा भी बता रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफें हो रही हैं, जिस तरह से वो खुद पर जोक्स लेकर बात करते हैं और साथ ही काफी गंभीर बातों को मजे में, हल्के में कह जाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा, हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या, और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग, उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। 1999 का एक और किस्सा उन्होंने एक वीडियो के जरिए शेयर किया, लोग उसे भी काफी पसंद कर रहे हैं। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह हो के मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से इमना ट्वीट करते हैं, लोगों को रिप्लाई करते हैं ना, मीम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो देखकर पता चलता है कि उनका ह्यूमर कितना अच्छा है और वो कितने जिंदा दिल इंसान है। अब देखिए, इमना ने एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें वो गूगल पर अपना नाम सर्च करते हैं तो पता चलता है कि उनसे रिलेटेड जो सर्च किया जा रहा है उसमें ये भी सर्च किया जा रहा है कि उनकी बीवी कौन है। इसका स्क्रीनशॉट उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि गूगल, मैं भी अपनी बीवी की तलाश में हूँ। जिसका एक फनी रिप्लाई किया अनुपम मित्तल ने, जो शादी.com के फाउंडर हैं। उन्होंने लिखा कि कुछ तो करना पड़ेगा शादी.com। ऐसे ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर उन्होंने सिंगल मूवमेंट चला दिया, #stay single, कहा सब मेरी तरह सिंगल रहो। सोशल मीडिया पर लोग उनके ह्यूमर को और उनके जिंदा दिली को काफी पसंद कर रहे हैं और तेमजिन भी अपने फैंस के साथ लगातार ट्विटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।